रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाली बाली सांची विधानसभा उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल होता है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता परिपक्ष रहे डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार और उनके पुत्र मुदित शेजवार को भाजपा से निष्कासित कर दिया जाता है। दो घंटे बाद इस फर्जी निष्कासन का खुलासा होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण इस बात का खंडन करते हैं कि निष्कासन का ये पत्र फर्जी है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता शेजवार ने इसे विरोधी पार्टी या जिसे इस चुनाव में लाभ होगा उसने इस प्रकार के पत्र को वायरल किया है। उन्होंने कहा है कि पत्र की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है, इस मामले की जांच कराई जाएगी। किन किन शरारती तत्व ने भाजपा के नकली लेटर पैड पर पिता पुत्र की निष्कासन की खबर वायरल की है, वहीं प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी इस बात का खंडन किया है। देर रात तक चले इस नाटकीय घटनाक्रम की चर्चा सोशल मीडिया पर चलती रही। साइबर क्राइम जांच के उपरांत इस बात का खुलासा करेगी कि इस प्रकार के पत्र किनके द्वारा वायरल किया गया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। इस कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी स्वयं खंडन कर रहे हैं और मेरे को सूचित कर रहे हैं, तो मुझे इसमें क्या संज्ञान लेने की जरूरत है। हाँ, पत्रकारों से जरूर निवेदन है कि जिन्होंने इस न्यूज को प्रसारण किया है उसका खंडन जरूर करें। बहुत से हमारे पत्रकार जिन्होंने इस पत्रकार वार्ता के पहले ही इस न्यूज को खंडन के साथ पहले ही छाप दिया है, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ और वास्तव में मैं उनकी प्रशंसा करूँगा कि वो सही खबरों को और गलत खबरों में किस तरीके से पहचान करके और उन्हें प्रसारित करते हैं।